हाँ अरे आपका कौन है? बोले हो बाबू भाई कैसे भाई? अरे तेरे बाद में मिलना, अभी तक नहीं मिला। अभी दूर है बहुत यार। लाइट चालू आ रहा है। हट जा नहीं वो मैं जो जब आएगा तभी करूँगा। चार फ्रेम मारने का पहले कुछ थोड़ा पीछे ले। आगे क्या कहना चाहोगे? आज एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल करने आए हो, बताओगे कि क्या कंप्लेंट आज फाइल किए हो? जब मुझे छोटे छोटे आरोप लगा के जब राखी मेरे पे 100 करोड़ का झूठा डिफेमेशन केस लगा सकती है तो मैं डेफिनेटली मैं भी फाइल करूंगा ही करूंगा। अभी जो लीगल पॉइंट्स हैं ये बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या। जी हमने आज राखी सावंत के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC डिफॉर्मेशन केस डाला है, ठीक है, जिसमें हमने उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया है। राखी सावंत के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमने ये भी कहा है जो डैमेजेस हुआ इनके रेपुटेशन को हम वो डैमेजेस भी क्लेम किया जो 200 करोड़ रुपीज़ हमने उसमें क्लेम किया है डैमेजेस में। और मुझे एक चीज़ मुझे इतना बुरा लगा इस कोर्ट में आने में, इस कोर्ट मुझे आज भी याद है एक झूठे आरोप में मुझे ब्लैक कलर का मास्क लगा के इस कोर्ट में मुझे लाया गया था जब मेरे साथ कोई नहीं। आपको याद होगा उस दिन जब मैं जीप से उतर रहा था, मैंने येलो कलर का शर्ट पहना था, मुझे आज भी एक एक पल याद है जब मैं अंदर खड़ा था। एक झूठा बेबुनियाद आरोप में मुझे लगा है आज भी। जरूर मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हो जाए मैं न्याय लेके रहूँगा, इसी कोर्ट से मैं न्याय लेके रहूँगा और न्याय की जीत 100% होगी। झूठ कितना भी आप झूठ बोलो एक ना एक दिन सच बाहर आएगा और आके ही रहेगा। और इसी कोर्ट से मैं न्याय लूँगा जिसमें मुझे ये कितनी बुरी गंदे तरीके से मुझे लाया गया था। आई कैन नॉट फॉरगेट इट। जब राखी उमरा करके आई थी तो उसने कहा लोग मेरे नाम से फुटेज खा रहे हैं और वो शैतान के बच्चे, क्या कहना चाहूंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में बहुत जल्द कहूंगा। जैसे उमरा गई है जो भी हुई अभी नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो उमरा गई है, बाहर तो आ नहीं रही है, बताता हूँ मैं बहुत जल्द। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। एक सवाल है आपसे, 2 करोड़ का डेफिनेशन आपने फाइल किया है, आर यू सेइंग ट्रू? अतुल भाई एक मिनट यहाँ पे देखो। अतुल भाई एक सवाल था, क्या था पूछ? जाने के बाद अरे पूछना लग जाएगा। बंद करो।